भारत स्काउट और गाइड का 71वां स्थापना दिवस अयोध्या दास स्काउट कुटीर सिविल लाइंस गोरखपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्काउट गाइड के झंडारोहण के साथ किया गया। तत्पश्चात स्काउट गाइड के संस्थापकों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि भारत स्काउट और गाइड की स्थापना में पंडित श्री राम वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, विपिन बोस, SP कैप्टन का विशेष सहयोग रहा है। स्काउट गाइड के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और उसे सजाने संवारने का काम किया जाता है। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त स्काउट सत्यानंद शर्मा, सहायक डिप्टी कमिश्नर स्काउट वाचस्पति शुक्ला, जिला संगठन आयुक्त गाइड इशरत सिद्दीकी, दुर्गावती देवी, अजय गुप्ता, एडवोकेट सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्काउट गाइड के जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने कहा, साधन प्रार्थना शुरू। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जिला सचिव गोरखपुर। आज भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस है। 7 नवंबर को हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को विभिन्न छोटे छोटे दल थे, जैसे हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन और भी कई दल थे, उनको मिलाकर आज किया गया था। आज 71वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम लोग विविध कार्यक्रम, अपने नियम प्रतिज्ञा को दोहराना, स्काउट का जो सिद्धांत है उस पर चलने का हम लोग आज प्रतिज्ञा लेते हैं। और क्या मुख्य उद्देश्य है स्काउट का? स्काउट का सर मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, और जो हमारे छोटे बालक हैं वो कोशिश करते हैं सेवा करने की, जो कब हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है सेवा करना। समाज में जो भी पीड़ित हैं, जो जिनको सहयोग की आवश्यकता है, जहाँ भी जिस प्रकार की सहयोग, वो हम लोग करते हैं। कोविड काल में जो सहयोग है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका प्राथमिक उपचार करके वहाँ हम जो सहयोग दे सकते हैं, तो सहयोग सेवा कार्य हमारा मेन उद्देश्य है।